तो सबसे पहले गाइज मैं यहाँ पे आप सबको अपना बैंक में जो अमाउंट रिसीव हुआ है वो दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे ऊपर में आप सब पढ़ लीजिए, ताला एप्लीकेशन की तरफ से ये मैसेज जो कि आया है, यहाँ पे डिटेल्स में दिखाते हैं, साफ लिखा हुआ है यहाँ पे आप सब पढ़ सकते हैं, यहाँ पे डिटेल्स में पढ़िए, लिखा हुआ है योर ताला लोन इज डिसबर्सेड टू योर बैंक अकाउंट्स। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेरे बैंक अकाउंट्स में ताला लोन की तरफ से अमाउंट क्रेडिट कर दिया गया है। लोन अमाउंट यहाँ पे देखेंगे 1276 रुपए मेरे बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर हुआ है, जो कि मैंने 1500 रुपए का यहाँ पे लोन लिया हूँ। रेफरेंस नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है जिसको मैं यहाँ पे ब्लर कर दिया हूँ। रीपे अमाउंट कितना करना है 1635 रुपए। कब रीपेमेंट डेट है यहाँ पे दिए हुआ है साफ, पर ये पेमेंट करना है। तो ये है लोन डिटेल्स जो कि मैंने आप सबको यहाँ पे दिखा दिया हूँ। और इसका होम पेज पे आएंगे, एप्लीकेशन को होम पेज पे आएंगे तो यहाँ पे भी आप सब पढ़ लीजिए कि कुल रीपेमेंट करना है 1635 रुपए। आज ही अभी मैंने इस लोन को लिया हूँ और अभी मेरे बैंक अकाउंट में राशि जा चुका है। कब पेमेंट करना है यहाँ पे डेट देखिए 26 सितंबर को पेमेंट करना है। कितने दिनों के लिए मिला है यहाँ पे बारीकी में देखिए कि अभी फिलहाल 91 दिन पूरा बाकी है, 91 दिनों के लिए लोन मिला है। तो अभी पूरा का पूरा 91 दिन यहाँ पे बाकी है। तो अगर आप सबको भी पैसे की ज़रूरत है, 10,000 रुपये तक का राशि यहाँ से आप सबको मिल सकता है, लेना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैंने आप सबको कंप्लीट फुल स्टेप बताया हूँ, लेकर दिखाया हूँ। तो अगर आप सबको पैसे की ज़रूरत है तो वीडियो में बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे, पूरा वीडियो देखिए, मैंने इस वीडियो के अंदर लाइव प्रूफ दिखाया हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं, फटाफट आप सबको सारा डिटेल बताते हैं, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे गाइस आप सब देखेंगे कि सबसे पहले कंप्लीट योर एप्लीकेशन लिखा हुआ है, तो इस वाले में आप सबको यहाँ पे दिखेगा कंप्लीट नाउ का ऑप्शन, इस वाले पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही इस वाले पे क्लिक करेंगे तो इस बॉक्स में चेक मार्क करना होगा, इस बॉक्स में चेक मार्क करेंगे, नेक्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पे आप सब वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर आप सबको लोन लेकर दिखाया हूँ, इसलिए बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आप सबको कुछ डिटेल्स भरने होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले गाइस आप सबको क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट वर्क डू यू डू, मतलब कि आप जो है क्या वर्क करते हैं। गाइस यहाँ पे जिस चीज में यूज करना चाहते हैं इस वाले पे क्लिक करके अपना रीजन को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि आप सब बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या मेडिकल डॉक्टर या फिर बिल राशन, जो चीज़ में आप सब यहाँ पे यूज करना चाहते हैं सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे पर्सनल वाले पे हम टिक कर लेते हैं, ट्रेवल में सिलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आप सब पहले कोई लोन वगैरह बैंक से लिए हैं, पेंडिंग वगैरह है, तो यस कर देंगे, नहीं है तो यहाँ पे नो वाले पे आप सबको क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट वाले पे आप सबको क्लिक करना है। करने के बाद अब आप सबके सामने कुछ इस प्रकार से पेज आएंगे। तो यहाँ पे गाइज आप सबको क्या करना है, सबमिट एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली इस वाले पे क्लिक कर लेना है। तो फटाफट इस वाले पे हम क्लिक करते हैं सबमिट एप्लीकेशन पे। जैसे ही आप सब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक आध दो सेकेंड आप सबको लग सकता है। उसके बाद गाइज आप सबके सामने कुछ इस प्रकार से पेज आएंगे। तो यहाँ पे आप सबको इस बॉक्स में चेक मार कर नेक्स्ट वाले पे क्लिक करना है। करने के बाद गाइज अब आप सबका यहाँ पे लोन डिसीजन इज पेंडिंग में चला गया है। एसएमएस के माध्यम से आप सबको बताया जाएंगे कि आप सबको कितना अमाउंट यहां पे मिलेगा। तो आप सबको यहां पे जो है गाइज आप सबको एसएमएस के माध्यम से बता दिया जाएगा कि आप सबको यहां पे अमाउंट कितना मिलेगा। वैसे आप सब इसको रिफ्रेश करते रहेंगे तो आप सबको जो भी लोन अमाउंट मिलेगा स्क्रीन पे शो होगा। तो एक आध दो सेकेंड, पाँच सेकेंड, दस सेकेंड के बाद आप सब यहाँ पे रिफ्रेश करते रहेंगे। तो जैसे ही गाइज मैंने यहाँ पे अभी रिफ्रेश किया हूँ तो आप सब यहाँ पे देखिए कि लोन एप्लीकेशन इज अप्रूव हो गया है। जब आप सबका अप्रूव होगा तो कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। तो अमाउंट कितना मिला है यहाँ पे आप सब पढ़ सकते हैं, यू आर अप्रूव फॉर 2000 का अमाउंट मुझे यहाँ पे जो कि अप्रूव मिला है। तो 2000 का अमाउंट मुझे यहाँ पे मिला है, हाईएस्ट 2000 मिला है। तो मैक्सिमम यहाँ पे 10,000 तक आप सबको दिए जाते हैं, तो मुझे यहाँ पे अभी फिलहाल 2000 मिल गया है। तो क्या करना है, इस लोन को लेना है तो चेक लोन इन्फॉर्मेशन इस वाले में क्लिक करेंगे। करने के बाद गाइस यहाँ पे अब आप सबको क्या करना है, कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं कि आप सब जो है अमाउंट को कम ज़्यादा भी करना चाहते हैं तो यहाँ पे अपने हिसाब से कर लेंगे। जैसे कि हम चाहें तो इस अमाउंट को 1000 भी ले सकते हैं, 1500 में भी ले सकते हैं, या फिर 2000 की ज़रूरत है तो 2000 भी यहाँ पे ले सकते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल गाइस यहाँ पे 2000 लेने वाला हूँ। तो 2000 का राशि हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे। करने के बाद अब आप सबको लोन का सारा डिटेल्स यहां पे देखने को मिल जाएंगे। तो यहां पे गाइज आप सब देखिए कि लोन अमाउंट यहां पे 2000 रुपए होंगे। तो टेनर सबसे पहले मैं आप सबको दिखा देता हूं। यहां पे गाइज आप सब देखेंगे ये जो अमाउंट मुझे मिलेगा 91 दिन के लिए, ये अमाउंट यहां से मुझे अभी फिलहाल मिल रहे हैं, यानी कि 3 मंथ के लिए।
लोन अमाउंट हो जाएंगे गाइज यहाँ पे 2000 रुपये, प्रोसेसिंग फीस लगे हैं 254 रुपये, और यहाँ पे देखेंगे CGST है एक 923 रुपये, और फिर से एक SGST है यहाँ पे 23 रुपये। मेरे बैंक अकाउंट्स में जो राशि यहाँ पे क्रेडिट किए जाएंगे 1700 रुपये, और कुल जो पेमेंट यहाँ पे करने होंगे 2180 रुपये कुल यहाँ पे रीपेमेंट करने होंगे अगर मैं ये लोन को 3 मंथ के लिए लेता हूँ तो। तो मैं गाइज अभी यहाँ पे फिलहाल जो है आप सबको 1500 रुपये का लोन लेकर दिखा देता हूँ। ये भी लोन पूरा 3 महीनों के लिए मिलेगा। कब मुझे पेमेंट करना है वो आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि 26 सितंबर को मुझे पेमेंट करना है। अभी फिलहाल जो है आप सब अगर डेट एंड टाइम देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर में डेट एंड टाइम यहाँ पे दिए हुआ है, जो कि आप सब यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि आज 27 जून है और 26 सितंबर को ये पेमेंट जो कि मुझे डायरेक्ट 3 मंथ के बाद यानी कि डायरेक्ट 91 दिन के बाद मुझे ये पेमेंट करना है। बीच में 3 मंथ के बीच में कोई भी पेमेंट वगैरह यहाँ पे नहीं करना होगा, डायरेक्ट 3 मंथ के बाद 91 दिन के बाद 26 सितंबर को ये पेमेंट करना है। मेरे बैंक अकाउंट्स में जो राशि क्रेडिट किए जाएंगे 1276 रुपये, कुल पेमेंट करना होगा 1635 रुपये। तो इस लोन को हम लेना चाहेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सेप्ट वाले पे क्लिक करके कन्फर्म वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कन्फर्म वाले पे क्लिक करेंगे उसके बाद गाइस यहाँ पे अब आप सब देखेंगे कुछ डिटेल्स यहाँ पे फिल करने हैं। सबसे पहला में यहाँ पे बैंक डिटेल्स, दूसरा में यहाँ पे सेक्शन लेटर है, तीसरा यहाँ पे सिग्नेचर OTP है। तो इस 3 स्टेप को कंप्लीट करेंगे मेरे बैंक अकाउंट्स में राशि को क्रेडिट कर दिए जाएंगे। तो गाइस यहाँ पे वीडियो आप सब बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे, पूरा डिटेल्स देखिए। अभी मैंने लाइव प्रूफ लेकर दिखा रहा हूँ। तो नेक्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे, करने के बाद सबसे पहले बैंक का डिटेल्स यहाँ पे फिल करेंगे। तो सबसे पहले बैंक नेम यहाँ सेलेक्ट कर देंगे, फुल नेम यहाँ पे आप सबको सेलेक्ट कर लेना है जो बैंक पर है, अकाउंट में है। बैंक अकाउंट्स नंबर यहाँ डालेंगे, कन्फर्म अकाउंट नंबर यहाँ डालेंगे, IFSC कोड यहाँ डालेंगे। उसके बाद नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस वाले पे क्लिक करेंगे। तो इस स्टेप को चलिए फटाफट यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। तो उसके बाद गाइस यहाँ पे आप सबका सेक्शन योर लोन होगा, तो यहाँ पे 1-2 सेकेंड आप सबको वेट कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पे 1-2 सेकेंड वेट करते हैं। जैसे ही यहाँ पे आप सब 1-2 सेकेंड वेट करेंगे आप सबके सामने कुछ इस प्रकार से सेक्शन लेटर आप सबको सारा डिटेल देखने को मिल जाएंगे। इसमें सारा आप सबका लोन का जो भी डिटेल्स है यहाँ पे सारा डिटेल्स में लिखा हुआ है कि कितना अमाउंट आप सबको क्या लगा है, सारा डिटेल अच्छे से यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो आप सब पढ़ना चाहे तो इसको पढ़ लेंगे या स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आएंगे, 4 पेज में यहाँ पे दिए हुआ है। और उसके बाद आई एक्सेप्ट है, इस वाले पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही इस वाले पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर OTP आएगा, तो आई एक्सेप्ट साइनिंग यूजिंग OTP उस वाले पे क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर पे एक आप सबका OTP आएगा और उसके बाद OTP ऑटोमेटिक फिल भी हो जाएगा। वेरीफाई वाले पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट वाले पे क्लिक कर देंगे तो आप सबके सामने कुछ इस प्रकार से पेज देखने को मिल जाएगा। उसके बाद गाइस आप सब चाहे तो यहाँ पे अपना डेज को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे कि गाइस यहाँ पे मैक्सिमम मुझे 91 दिनों के लिए मिला हुआ है और मिनिमम जो है मुझे यहाँ पे आप सब देखेंगे 1 डेज है। तो 1 दिन से लेकर के 91 दिनों के लिए हम इस अमाउंट को ले सकते हैं। हम इस लोन को 60 दिन के लिए लेना चाहते हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट ईयरली रीपेमेंट है 60, नहीं चलिए मैं इस लोन को 91 दिनों के लिए कर दिया हूँ पूरा 3 मंथ के लिए। तो सिलेक्ट ईयरली रीपेमेंट डेट है, इस वाले पे क्लिक कर देंगे और करने के बाद जो है गाइस यहाँ पे आप सबका सेंडिंग योर लोन में चला जाएगा। तो बस यहाँ पे लिखा हुआ है 1 डेज यहाँ पे आप सबको वेट करने के लिए, लेकिन आप सबको 1 डे नहीं लगता है, कुछ ही समय में आप सबके बैंक अकाउंट्स में राशि को क्रेडिट कर दिए जाते हैं। तो ये देखिए मेरे बैंक अकाउंट्स में तकरीबन 14 से 15 मिनट बाद आप सबके बैंक अकाउंट्स में, मेरे बैंक अकाउंट्स में तकरीबन वही 14 से 15 मिनट लगे हैं, उसके अंदर मेरे बैंक अकाउंट्स में राशि को क्रेडिट कर दिया गया है। कुल पेमेंट 1635 रुपये यहाँ पे पेमेंट करना है, 91 दिनों के लिए लोन मिला है। इस एप्लीकेशन का नाम है गाइज प्ले स्टोर पर आकर के अगर आप सब यहाँ पे सर्च करेंगे ताला लोन लिख करके, अगर आप सब यहाँ पे सर्च करेंगे ताला लिख करके सर्च करेंगे तो इसका लोगो फिलहाल कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। इसी एप्लीकेशन से अभी मैंने आप सबको पूरा लेकर के दिखाया हूँ आज का, जो कि मैंने आप सबको सारा डिटेल बताया हूँ। तो इस तरीके से आप सब भी इस एप्लीकेशन से ले सकते हैं। तो मान लीजिए गाइस अगर आप सबको इस एप्लीकेशन से किसी कारणवश अगर नहीं मिल पाया, मिल जाता है तो ले लेंगे, नहीं मिल पाया तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आप सबको 4-5 वीडियो का लिंक दिया हूँ जहाँ से मैं खुद लोन लिया हूँ। तो अगर आप सब वहाँ से भी लेना चाहे तो जाकर के ट्राई कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।